The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपकी क्रोनिक बीमारियों के बारे में, ऐसी बीमारियां जो आपके साथ कई समय से जुड़ी हुई हैं और क्या इन क्रोनिक बीमारियों के चलते और अगर आपको अब कोरोना वायरस या कोविड 19 जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है तो क्या आपके बचने के चांसेस हैं और क्या वो किस तरह से आपकी बीमारी को कॉम्प्लिकेट करेगा, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा गौर करेंगे, थोड़ी नज़र डालेंगे आपके साथ इस सेशन में डॉक्टर एजुकेशन के। दोस्तों हम आपको सिखाते हैं एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन सिंप्लीफाइड भाषा में। काफ़ी कुछ कोशिश करते हैं बहुत सिंप्लीफाई करने की, लेकिन हर चीज़ एकदम सिंप्लीफाई करना मुश्किल है। सो अगर हम बात करें कि अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है कोविड 19 को छोड़ के, क्रोनिक कंडीशन मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फलाना ढमकाना, हार्ट की बीमारी, सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक्स, तो इनके साथ कोरोना वायरस का खतरा कितना एसोसिएटेड है। अगर हम एक लैंसेट जर्नल में जाके देखेंगे सो पेशेंट्स जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के हैं वहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है कि वो बिल्कुल इंक्रीज्ड रिस्क पे है कोविड 19 इन्फेक्शन के। इसमें जो इस तरीके की बीमारियों को हम कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज, मतलब ऐसी बीमारियां जो आपकी मॉर्बिडिटी, आपके जल्दी मरने के चांसेस बढ़ा दें, राइट। बीमारियां ऐसी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोमॉर्बिडिटीज यानी बीमारियां। इसमें डिस्टिंक्टिवली पहले जो स्टडीज देखी गई थी कि 52 इंटेंसिव केयर पेशेंट, 52 आईसीयू में भर्ती पेशेंट जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, उनमें से 32 पेशेंट ऐसे थे जिनको कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटीज थी। 32, ये छोटा नंबर नहीं होता है दोस्तों, 32 पेशेंट ऐसे जिनको कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी थी, कोई ना कोई पहले से बीमारी थी। और इन 32 पेशेंट्स में से देखेंगे तो जो डायबिटीज के पेशेंट थे वो थे 22% डायबिटीज और सेरिब्रोवैस्कुलर यानी दिमाग के अंदर कोई पुरानी ब्रेन की स्ट्रोक वाली बीमारी वाले पेशेंट्स थे 22%। सो 22% डायबिटीज के पेशेंट्स थे, 22% सीवीए के पेशेंट्स थे, ये एक स्टडी में देखा गया। मतलब डायबिटीज अच्छा खासा रिस्क पकड़ के चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरी एक स्टडी की, ये तो स्टडी छोटी थी 52 पेशेंट्स की, एक और स्टडी की गई 1099 पेशेंट्स की, 1099 पेशेंट्स की स्टडी की गई जिनमें सबको कंफर्म था इनमें कोविड 19 कोरोना वायरस इन्फेक्शन है। उनमें 173 पेशेंट्स को सीवियर बीमारी थी, सीवियर बीमारी मतलब कोरोना वायरस सीरियस हो रहा था, उनमें से कई लोगों को कोमॉर्बिडिटीज थी यानी कि क्रोनिक बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स थे 23.7%, डायबिटीज के पेशेंट थे 16.2%, हार्ट की बीमारी के पेशेंट जो पुराने ऑलरेडी हार्ट की बीमारी के पेशेंट थे वो थे अराउंड 5 to 8%, और पुराने स्ट्रोक वाले पेशेंट्स थे अराउंड 2 to 3%। तो ये क्या बताता है आपको कि ये एक और स्टडी ले लेते, थर्ड स्टडी में 140 पेशेंट थे जो भर्ती किए गए, उनमें से 30% हाइपरटेंशन के, 12% डायबिटीज के थे। सो इसका क्या मतलब है कि जो लोग कोरोना वायरस से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं उसमें सबसे कॉमन कोमॉर्बिडिटी यानी क्रोनिक कंडीशन जो है वो यही 3-4 स्टडीज़ में बताई गई सबसे कॉमन चीज़ है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और जो सीवी है पहले की स्ट्रोक वाली बीमारी है, राइट। सो इसमें जो है एक चीज और देखी गई थी इन तीनों स्टडीज में, इन तीनों में जो पेशेंट्स हैं चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हाइपरटेंशन में तो डायबिटीज पेशेंट्स में, इनमें जो मैकेनिज्म बताया गया है वो है ACE2 वाले रिसेप्टर का। कोरोना वायरस जो ह्यूमन कोरोना वायरस है SARS-CoV-2, ये दोनों आपके शरीर में घुसने के लिए आपके सेल्स के ऊपर प्रेजेंट ACE2 नामक रिसेप्टर्स को अटैच होते हैं।
और ये ACE2 नामक इन रिसेप्टर्स आपके शरीर में कई जगह मौजूद है, जैसे कि सबसे कॉमन आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में, उसके बाद आपकी अथड़ियों में भी है, किडनी में भी है, खून की नसों में भी है। ये ACE2 नॉर्मली ही डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा मात्रा में रिसेप्टर्स बढ़ने लग जाते हैं। अब ये चीज़ समझिए, ACE2 यानी रिसेप्टर है, यानी ये दरवाजे हैं आपके आपके शरीर के अंदर, दरवाजे हैं जहाँ से वायरस अंदर जाएगा। जितने ज़्यादा दरवाजे उतना चांस है कि उतना ज़्यादा वायरस अंदर जाएगा, यहाँ से अंदर जाके उतना ज़्यादा वायरस आपके सेल्स में घुस जाएगा। सो ऑब्वियसली सिर्फ दरवाजे मायने नहीं रखते, क्योंकि ऑब्वियसली जो अगर एक ही वायरस आया तो एक ही आदमी अंदर आएगा, चाहे 10 दरवाजे। तो वायरस कितना आ रहा है आपका प्रोटेक्शन भी मायने रखता है और दरवाजे भी मायने रखते हैं, क्योंकि अगर 100 वायरस आ रहे हैं और दरवाजे बहुत सारे हैं तो सारे अंदर आ जाएंगे। सो इस ACE2 रिसेप्टर पर स्टडीज़ हुई हैं। ACE2 रिसेप्टर्स आपके अंदर बढ़ जाते हैं कुछ कंडीशंस में। नंबर वन कंडीशन है Type 1 या Type 2 डायबिटीज़। Type 1 Type 2 डायबिटीज़ में ही बढ़े हुए पाए जाते हैं। नंबर टू कंडीशन है ACE इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर 1 ब्लॉकर्स। ये वो दवाएं हैं जो सबसे कॉमनली ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स को दी जाती हैं। बहरहाल इन दवाओं का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। ये दोनों दवाएं ना सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं, हार्ट की रीमॉडलिंग, हार्ट के अंदर फैलाव ना आ जाए, हार्ट फैल ना जाए लॉन्ग पीरियड में, हार्ट की रीमॉडलिंग प्रिवेंट करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी दवाएं हैं, लेकिन हर चीज़ के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो इस दवा का साइड इफ़ेक्ट ये होता है, जब हम किसी रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, हम ACE2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं ACE इनहिबिटर देके, एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि शरीर क्या करता है, इन रिसेप्टर्स का नंबर बढ़ा देता है एज अ रिस्पॉन्स। अप रेगुलेशन हो जाता है ACE2 रिसेप्टर का। और ये ACE2 रिसेप्टर, इसीलिए कई लोगों को लगता है ना कि बड़े लंबे समय के बाद हमें दवाइयां ज्यादा लेनी पड़ रही हैं, वो भी दिक्कत हो जाती है। अप रेगुलेशन में कैन ऑल्सो बी सीन विद अदर मेडिसिन, जैसे कि अगर हम शुगर की दवाई देखें, शुगर में थायजोलिडिडियोन्स की करके दवाई है और पेन किलर है ब्रूफिन, आइपोब्रूफिन, इन दोनों दवाइयों से भी ACE2 रिसेप्टर के नंबर्स बढ़ जाते हैं। सो ये डाटा सजेस्ट करता है कि जब आपके शरीर में ACE2 रिसेप्टर बढ़ जाएगा, चाहे वो डायबिटीज़ के वजह से हो, इन किसी भी दवाई के वजह से हो, तो उस वजह से अगर आपके अंदर वायरस गया तो वो बहुत आसानी से अंदर चला जाएगा और सीवियर इन्फेक्शन करेगा। वरना क्या होता है, थोड़े बहुत वायरस आपके जबान में रुक जाते हैं, सलाइवा में रुक जाते हैं, थोड़े सांस के नली में म्यूकस में रुक जाते हैं, थोड़े खास के आप बाहर निकाल देते हो अंदर जाने से पहले, इस केस में बहुत बहुत सारी मात्रा में वो अंदर चले जाएंगे। और ये हाइपोथेसिस है, ये एक प्रूवन थ्योरी नहीं है, याद रखिए। यहाँ पर ये आगे चल के प्रूव होगा कि ये कितना बड़ा फैक्टर है बीमारी होने में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस हाइपोथेसिस के हिसाब से आपके अगर आप किसी प्रकार के ACE2 स्टिमुलेटिंग ड्रग में हो, ना हमने अभी तक बात करी ऐसा दवा जो ACE इनहिबिट कर रही है, ऐसी भी दवाई आती है जो ACE2 स्टिमुलेटिंग हो, वो अलग दवाई है। तो फिर अगर कोई ACE2 स्टिमुलेट करेगा तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, आपका रिस्क बढ़ जाएगा बीमारी ज़्यादा होने में, और फेटल यानी जानलेवा बीमारी होने में रिस्क बढ़ जाएगा। अब अगर ये एक हाइपोथिस कन्फर्म हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि हम ACE2 रिसेप्टर ACE इनहिबिटर्स दे रहे हैं, ऐसी दवाइयां दे रहे हैं, और ACE2 जो है अपने आप में, ACE2 की बात करें, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ये जो एंजाइम है इसका रिसेप्टर की बात हो रही थी, अब ये एंजाइम का भी एक खुद का काम है, ये एंजाइम खुद से इन्फ्लामेशन को कम करता है, ठीक है, खुद से ये एंजाइम इन्फ्लामेशन कम करता है, और इसको भी कई सारी इन्फ्लामेटरी लंग की बीमारियों में दिया जाता है, कैंसर्स में दिया जाता है, डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दिया जाता है। अभी रिसेप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एंजाइम की, जो रिसेप्टर में लग के काम करता है उसकी बात कर रहे हैं। सो इसको इन्वेस्टिगेट, इस पर इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं और देखा जा रहा है कि कौन सा एस्पेक्ट ज़्यादा काम करता है, लेकिन बहरहाल इतना शफाफ है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है तो आपकी बीमारी ज़्यादा गहरी, ज़्यादा सीवियर होने का रिस्क है, और इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है। जी हाँ, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, अगर आपको स्ट्रोक, डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री भी है तो भी आपको बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ये भी पॉसिबल है, याद रखिए।
और इसीलिए कोई भी कार्डियक पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो एस टू इनिबिटर्स वाली दवाई या ऐसी दवाई जो एस टू एंजाइम इंक्रीज कर रहे हैं, वो अपने डॉक्टर से बात करें और अगर ज़रूरत है तो वो दवाई चेंज कर लें, अगर ज़रूरत नहीं है तो दवाई चेंज कर लें, ज़रूरत है अगर बहुत ज़रूरी है तो चलने दें। क्यों? क्योंकि एक दिन में दवाई बदन बंद कर देने से वो अप रेगुलेशन बंद नहीं हो जाएगा, अगर आपने कुछ महीने भी ले रखी है दवाई तो वो अप रेगुलेशन कई महीनों तक चल सकता है। तो इसलिए ये पक्का प्रूफ नहीं है कि अभी दवाई बंद करने से फ़ायदा होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोमॉर्बिडिटी से प्रॉब्लम आएगी। फिलहाल एंटी हाइपरटेंसिव में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, राइट, अभी फिलहाल ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी ACE2 रिसेप्टर्स का एक्सप्रेशन बढ़ाते हैं, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स थोड़ा अभी सेफ अल्टरनेटिव होगा ऐसे पेशेंट्स में जिनको अभी तक शुरू ही नहीं की गई और जिनमें अभी अभी शुरू हुई है ब्लड प्रेशर की दवा, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में स्विच कर सकते हैं ACE इनहिबिटर्स में। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको रिकार्डिक रीमॉडलिंग के लिए ACE इनहिबिटर ज़रूरी हैं, ARB ज़रूरी हैं, वो कंटिन्यू करें। याद रखिए, आपको नॉलेज दे रहे हैं, आप खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिएगा। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, मैं खुद अवेलेबल हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए, नंबर आपको बता दिया जाता है हर बार वीडियोज़ में, चैनल में नीचे आता है हमारे यूट्यूब में, तो नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, ऑनलाइन पेड कंसल्टेशंस आप कर सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई और अच्छी लगी, मददगार हो, शेयर करिएगा लोगों को, बताइएगा अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।